हेलो एवरीवन, मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्त्री कॉर्नर। मैं अपने लास्ट वीडियो में आप सबसे बात की थी कि थायराइड क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। आज मैं आप सबको कुछ प्राणायाम और योगाभ्यास बताऊंगी जिनके माध्यम से हम थायराइड को कंट्रोल कर पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन के इस हिस्से में होता है, इसीलिए हम अपने गर्दन को स्ट्रेच करने वाले जितने भी एक्सरसाइज करेंगे ये हमारे थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने गर्दन को स्ट्रेच करने वाले एक्सरसाइज। सबसे पहले हम अपने गर्दन को बाईं तरफ लेके जाएंगे, फिर सामने, फिर दाहिनी तरफ, और इस एक्सरसाइज को हम धीरे धीरे कम से कम 5 से 7 बार जरूर करेंगे। आइए अब देखते हैं इसे करना कैसे है। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेके जाएंगे, जितना हम ले जा सकते हैं उतना लेके जाएंगे। आप यहाँ खिंचाव देख सकती हैं। फिर धीरे धीरे हम सामने लेके आएंगे और फिर धीरे धीरे दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। आपको मेरी गर्दन में खिंचाव दिख रहा होगा, फिर धीरे धीरे सामने। इस क्रिया को हम कम से कम 5 से 7 बार जरूर करेंगे। और जो लेडीज अभी बिगनर हैं वो प्लीज अपनी आंखें खोलकर ही करें, क्योंकि कई बार बॉडी डिसबैलेंस होने का भी डर लगता है। अब हम करेंगे अपना सेकेंड। इसको करने के लिए हम एक बार अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, फिर एक बार आगे की तरफ लेकर के आएंगे, और इसको करते समय हमारा श्वास जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने देंगे। आइए देखते हैं। आप खिंचाव देख सकते हैं, फिर धीरे धीरे सामने, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ। इस क्रिया को भी हम कम से कम 5 से 7 बार जरूर करेंगे। अब करते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं इसे करना कैसे है। सबसे पहले हम अपने बाएं हाथ को लेंगे और यहाँ कान के पास लगाएंगे। इसको हम अपने अपोजिट साइड में पुश करेंगे। थोड़ा ताकत के साथ इसे दबाना है। इसको दबाते समय हमें यहाँ पे खिंचाव सा महसूस होगा और हल्का सा पेन होगा। उस पेन को हमें एहसास करना है। इसे हमें कम से कम 5 से 7 सेकेंड तक रोक के रखना है। फिर ऐसे ही हम इस हाथ से भी करेंगे। हमें अपने कंधों को नहीं झुकाना है, कंधे जैसे हमारे थे वैसे ही रहेंगे, और ऐसे अपोजिट साइड में हमें धक्का देना है इसे। ये एक्सरसाइज जो हम दिन भर सेलफोन पे लगे रहते हैं उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इस क्रिया को भी कम से कम 5 से 7 बार जरूर करें। अब हम करते हैं अपना फोर्थ एक्सरसाइज जो है कपालभाती। कपालभाति करने के लिए हम सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएंगे और उंगलियों को इस मुद्रा में रखेंगे। अपनी कमर को सीधा करेंगे, गर्दन को सीधा, और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, और उसके बाद हमें हर एक सेकंड में एक बार अपने सांस को छोड़ना है कुछ इस तरह से। इस आसन को हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक जरूर करें।
अगर आप अभी बिगनर हैं तो आप 2 मिनट से स्टार्ट करें और कम से कम 5 मिनट तक जरूर करें। ये हमारे थायराइड के लिए तो फायदेमंद है ही, और थायराइड की वजह से जो हमारा वेट बढ़ा रहता है उसको भी कम करने में बहुत ही फायदेमंद है। अब हम करेंगे अपना लास्ट आसन जो कि है ये प्राणायाम। हमारे उज्जायी प्राणायाम थायराइड के लिए रामबाण तो है ही, उसके साथ साथ हमारे गर्दन में अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर सोते समय खर्राटे की आवाज़ आती है उसे भी कम करने में बहुत ही फायदेमंद है। तो आइए देखते हैं उज्जायी प्राणायाम किया कैसे जाता है। इसको करने के लिए हम सबसे पहले अपने मुंह को बंद करेंगे और गर्दन को टाइट करके एक लंबी सांस लेंगे। जब हम टाइट करके सांस अंदर भरेंगे तो हमारे गर्दन से गले से आवाज़ आती है, और हम जितने देर तक भरी हुई सांस को रोक सकते हैं रोक के रखेंगे। उसके बाद दाहिनी नाक को बंद करके बाईं नाक से सांस को छोड़ देंगे। आइए देखते हैं इसे करना कैसे है। तो ये था उज्जायी प्राणायाम। तो ये थे कुछ आसान तरीके जिनको हम करके अपना थायराइड पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सो लेडीज, इसे करिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।